महावीर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान है। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस दृश्य का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से। सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन भक्तों को विग्रह के दर्शन होते हैं। उसके नीचे यानी मध्य में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान और सबसे नीचे स्वयं वो महाकालेश्वर विद्यमान। ब्रह्मांड का एक अनोखा दृश्य, ब्रह्मांड का एक अनोखा ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। ये ऐसा अद्भुत स्थान जहां पर एक नहीं 84 शिवलिंग विद्यमान है, अष्ट भैरव विद्यमान है, एकादश रुद्र विद्यमान है, द्वादश आदित्य विद्यमान है, 6 गणेश और 24 देवियां इस प्रांगण में विद्यमान है। शिप्रा, नीलगंगा, नव नदी और गंधवती, ये 4 पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहाँ पर विद्यमान है। देव मंडल तीर्थ एक योजन में विस्तार प्राप्त करता है, एक योजन मतलब समझा करीब 12 परिधि, इसको कहा जाता है कि ये स्वयं भू ज्योतिर्लिंग का परिधि। ब्रह्मा विष्णु साक्षात यहाँ पर विद्यमान है, भगवान शिव तो विद्यमान है ही। भगवान विष्णु कहा जाता है यहाँ पर 10 नामों में से 10 विग्रह के रूप में विद्यमान है और स्वयं इस अवंतिका को विश्व पादा कहा जाता है, यानी भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है। और ये 10 विग्रह जो नारायण यहाँ पर विद्यमान है उनके नाम लेने से करने से भी अत्यंत पाप नाशन की जो नाम है वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। वो नाम श्रवण करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से। वो नाम है वासुदेव,